शिमला में चल रहे टैक्सी ऑपरेटरों के बीच विवाद को लेकर उद्योग एवं आयुष मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि शिमला में टैक्सी यूनियनों के बीच चल रहा विवाद दो गुटों के बीच पनपा विवाद है, जिसे प्रदेश भाजपा द्वारा राजनीतिक रंग देकर क्षेत्रवाद का रूप दिया जा रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि भाजपा द्वारा हमेशा ही धर्म क्षेत्र के आधार पर ओछी राजनीति की जाती रही है। देखो, ये जो मामला है, ये दो टैक्सी यूनियन के बीच की लड़ाई है। ये बिजनेस इंटरेस्ट की जो है वो लड़ाई है। इसमें शिमला वर्सेस सिरमौर का जो रंग देने की कोशिश कुछ लोग कर रहे हैं वो गलत है, और इसमें कुछ भारतीय जनता पार्टी के लोग भी और वरिष्ठ नेता भी इसमें हवा देने का प्रयास कर रहे हैं। मैं उनसे निवेदन करूँगा कि वो ऐसा ना करें। ये छोटा सा झगड़ा जो है आपस में दो टैक्सी यूनियन के बीच में हुआ है, और हमने तो इसको मामले को सुलझाने की कोशिश की, और हमने अपने जो सिरमौर के टैक्सी यूनियन के लोग हैं मैंने उनको भी कहा है कि आपस में बैठ करके इस मसले को जो है वो सुलझा लिया जाए। मगर ये कि कुछ ये जो प्रदर्शन किया गया है, पहले कुछ कांग्रेस सिरमौर के लोगों द्वारा किया, पहले शिमला के लोगों द्वारा किया है, शिमला नहीं मगर ये कसुमटी के ही कुछ लोग हैं या शिमला शहर के आसपास के लोग हैं ये लोग टैक्सी में, तो सब लोगों को, क्योंकि शिमला राजधानी है, शिमला में हिमाचल प्रदेश के सभी क्षेत्र के लोग यहाँ रहते हैं, किसी अपना अपना कारोबार करते हैं, कोई सरकारी कर्मचारी है, कोई बिजनेस करते हैं, और सबको इंटरेस्ट है यहाँ पे। हमको हिमाचल पर शिमला में जो है हम सबको मिलजुल करके रहना है, हमको यहाँ का माहौल नहीं खराब करना है। और मैंने भी अनिरुद्ध जी से भी मैंने निवेदन किया है, और मैं टैक्सी यूनियन जो दोनों टैक्सी यूनियन है उनसे भी निवेदन करता हूँ कि आपस में मिल बैठ करके इस मसले का जो है वो सुलझा लिया जाए। ठीक है, दोनों पक्षों में कुछ ऐसे तत्व हैं जो शरारती तत्व होते हैं, वो नहीं चाहते कि समझौता हो, क्योंकि ये टूरिज्म से जुड़ा हुआ है, होटल कारोबार है, टूरिस्ट गाइड्स हैं, टैक्सीज के है संबंधित है, तो क्योंकि आपस में मिल करके सब बैठ करके इसका समाधान करें। अपने अपने कार्य क्षेत्र में जो अपना अपना एरिया है, टैक्सी यूनियन का अपना अपना एरिया, वो अपने अपने एरिया में काम करें। अगर कोई एक दूसरे के क्षेत्र में इंटरफेयर करता है या गलत करता है, या कोई ऐसा व्यक्ति जो रजिस्टर्ड नहीं है उसको सरकार जो है वो रोके और उसके खिलाफ कार्रवाई करे। मगर हम सबको चाहिए कि हम आपस में मिलकर के शिमला शहर की जो हमारा जो एक सेकुलर कल्चर है, जहाँ पे ना कोई क्षेत्रवाद पे, ना जाति के आधार पे, ना धर्म के आधार पे हम सब लोग राहत रहते हैं, तो हमको इसको इस माहौल को खराब नहीं करना चाहिए। और मुख्यमंत्री जी ने भी मुझे भी कहा है, और सरकार के डिप्टी कमिश्नर और एसपी को भी कहा है कि वो दोनों पक्षों को बैठा करके इसमें जो है शांतिपूर्ण जो है वो समझौता कराए, और जिला प्रशासन जो है वो इसमें कोशिश कर रहा है। और मैं निवेदन भी करूंगा सबसे कि कानून को अपने हाथ में ना लें, और जो हम पॉलिटिकल लोग हैं वो भावनाओं को भड़काने की कोशिश करते हैं कि उनकी बातों में ना आए, क्योंकि यहाँ पे स्थानीय भी लोग भी हैं, बाहर के लोग भी हैं, पहले से लेकर के रह रहे और आइंदा भी रहना है, तो मिलजुल करके आपस में आप इन चीज़ों को निपटाएं।